नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास। बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर आक्रोश। बेरमो के फुसरो बाजार में आज बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर बाजार के व्यवसायियों ने राम रतन हाई स्कूल से एक जुलूस निकाला और निर्मल महतो चौक पर सड़क जाम कर दिया। जुलूस में बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। सड़क जाम में एम्बुलेंस प्रशासन की गाड़ी एवं ब्याह रचाने जा रहे दूल्हे की गाड़ी कुछ देर के लिए जाम में फंसी, जिसे कुछ देर के बाद लोगों ने जाने से रोक दिया। व्यवसायी संघ के संरक्षक मंडली ने सभा को संबोधित करते हुए विभाग नियमित बिजली आपूर्ति करने में विफल है। देवीदास कलाम खान कृष्ण कुमार ने कहा, बिजली विभाग की मनमानी के कारण व्यवसायियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वक्ताओं ने आगे कहा, बाजार में नियमित बिजली आपूर्ति के लिए जैना मोर की पावर ग्रिड से बिजली बहाल की जाए। बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी संघ के लोगों से संपर्क नहीं कर रहे। इस भीषण गर्मी में बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर हो रहा है। लोगों में त्राही मच रही है। लोगों ने आगे कहा कि अगर व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की गई तो व्यवसायी अपने प्रतिष्ठान को बंद कर चाबी बिजली विभाग को सौंप देंगे। लोगों ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ कहने को जनप्रतिनिधि है। वक्ताओं ने बिजली की समस्या को लेकर स्थानीय सांसद और विधायक सुरदास बने हुए व्यवसायियों का समर्थन करने के लिए स्थानीय नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश सिंह उर्फ चुन्नू सिंह धरना पर स्थल पर बैठे और अपना नैतिक समर्थन दिया। 3 घंटे जाम पर रहने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे, आश्वासन देने के बाद धरना समाप्त हुआ। चक्का जाम में उपस्थित लोगों में विजय सिंह, विनोद चरसिया, शंकर अग्रवाल, भरत वर्मा, नारायण छाबड़ा सहित लोग उपस्थित। मैनेजमेंट है जो बिजली विभाग के अधिकारी पदाधिकारी अभी घर में सोए हुए हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि आकर के इन आंदोलनकारियों के साथ आप वार्ता करें और कैसे इनको सरलता से बिजली मिले इस पर आपको फोकस करना चाहिए। अभी कुछ लोग देवी भाई बोल रहे थे, जेल जाना हक और अधिकार के लिए, अगर जेल जाना भी पड़े तो हम आपके साथ हैं। और हम लोग का तो जीतने के बाद बिजली को लेकर के ही आंदोलन का शुरुआत हुआ था और मैं कल भी आपके साथ था और आज भी आपके साथ हूं। इस आंदोलन को जहां तक जो भी समर्थन करने की जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ रहेंगे। अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो सबसे आगे हम आपके बीच में आने का काम करेंगे। और करने की बात नहीं है, जो चट्टानी एकता आज बनी है इसको आप कायम रखें। जब तक अधिकारी पदाधिकारी आकर के आश्वासन नहीं देते हैं कि बिजली की समस्या से कैसे हमें निदान मिलेगा, तब तक निश्चित रूप से हमें एक लंबा आंदोलन करना पड़ेगा, एक लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद इतने लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। निश्चित है कि इनके साथ बहुत बड़ा समस्या है और मैं चाहूंगा अभी अपने पदाधिकारी लोग से भी बात करने का प्रयास करता हूं। कृष्णा भाई यहां पे हैं, हम लोग सब मिल करके एक वार्ता करें कम से कम कि उन लोग आ करके इन लोगों का बातों को सुने। अगर जनता परेशान हुई और जनता इसी तरह धूप में अगर बैठा रहा तो निश्चित रूप से ये बहुत विकराल रूप ले लेगा और फिर इसकी पूरी जवाबदेही प्रशासन और मैनेजमेंट की होगी। इसलिए मैं यहाँ मन से आपको पदाधिकारियों लोग को यह अनुरोध करता हूं कि आ करके इस धरना प्रदर्शन में अपना सहयोग दे, योगदान दे, ताकि हम सब भी अपने घर पर जाकर के, व्यवसाय भी अपने दुकान पर जाकर के दुकान को अपना सुचारू रूप से चला सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इस आंदोलन का समर्थन